एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेवल एक्सट्रीम। तो मुंबई टू लोनावला का जो पहला व्लॉग था वो आप लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे मुंबई से लोनावला तक हम लोग पहुँचे और उसके बाद हम पहुँचे पौना लेक। सो करंटली वी आर एट पौना लेक और ये जो पीछे तीन टेंट देख रहे हो ये तीन टेंट हमारे हैं। सो हम लोग टोटल 8 लोग हैं। सो हर एक टेंट के अंदर 3 लोग रहेंगे और बाकी लोग अभी सब सामान निकालने गए हैं। तो वहाँ पर कार में हम लोग सब लोग सामान निकाल रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे हम लोग समवट अराउंड 6 बजे, बट थोड़ा लेट हो गया हम लोग यहाँ पहुँचने में और सनसेट हम लोग का मिस हो गया। सो नेवर माइंड, सनसेट मिस हो गया। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, कितनी ब्यूटीफुल इवनिंग। और ये 3 टेंट है अपने, 1, 2, 3 टेंट के अंदर का भी दिखा लेता हूँ आप लोग को। सो ये टेंट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है। सो ये कुछ इस तरीके से बनाया है। ओके ओके स्पेस है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ से ये पूरा एरिया अपना, जो करना है करो, जो एंजॉय करना है वो एंजॉयमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये जो टेंट दिया है हम लोग को, ये टेंट पे हम लोग रहेंगे, ये टेबल हम लोग के लिए खाने पीने के लिए रहेगा, एंड देन दिस एंटायर फील्ड इज़ आस। तो यहाँ पर हम लोग जो चाहे जैसा चाहे वैसा एंजॉय कर सकते हैं, वैसी मस्ती कर सकते हैं। सो अभी जैसे यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद में चाय ऑफ़र की जाएगी और चाय के बाद में फिर एक अच्छा सा नाश्ता मिलेगा। खा के पता ना अच्छा है क्या, ऐसा मिलेगा, ऐसा जैसा भजिया होता है वैसा ही है, ठीक है। सो ये मिलेगा और अभी आते साथ वेलकम में यही मिलेगा। फिर उसके बाद लोग बारबेक्यू का सेशन होगा और देन उसके बाद डिनर सेशन होगा, एंड इन बिटवीन थोड़ा डांस वगैरह भी रहेगा, डीजे वगैरह रहेगा, जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज फिर वो कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। सो वो मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को फिर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। सो टिल देन अभी हम लोग थके हुए, तो हम लोग थोड़ा सा ये नाश्ता इन्जॉय करते हैं एंड देन विल कंटिन्यू विद आर फन। हमारे मालसे भाई कुछ कहना चाह रहे थे, सो लेट्स सी क्या बोलना चाह रहे हैं। थैंक यू जहीर भाई मुझे यहाँ पे लाने के लिए, इट वाज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अरे यार ओके, एक्चुअली मैं सोच नहीं सकता था कि लाइक का अपना एक्सेस पे यहाँ पे आया जा सकता है, पर आई एंजॉयड द राइड। ओके, एक्सेस पे कहाँ नहीं जा सकते हैं। और लाइक आप लोगों को मिलाता हूँ कि यहाँ पौना लेक के जिस टेंट में हम लोग है वो इनका है, रुपेश भाई का। सो यहाँ का इंचार्ज सब कुछ आप देखते हो ना, तो आप ओनर हो कि कैसे हो आप? ओनर भी और मार्केटिंग टीम सब में करता हूँ। अच्छा, सब तुम करते हो? मार्केटिंग सब में करता हूँ। ओके, सर्विस के लिए मेरा स्टाफ ही था मैनेजर। ओके, तो अगर किसी को यहाँ पर आना होगा तो कैसे आना पड़ेगा, मतलब कैसे कोई आपको कैसे कॉन्टेक्ट करेगा? मेरा जो वेबसाइट है tikonamountaincamp.com, उस पर आपको बुक करना होगा एडवांस पेमेंट करके। ओके, और उसमें आपकी फैसिलिटी आइटिनरी सब डिटेल्स है। अच्छा, अभी चाहे आपको उसमें मिल जाएगी। ओके, उसके और उसके बाद लोकेशन वगैरह व्हाट्सएप पे मैं आपको भेजता हूँ, क्योंकि आपको कोई दिक्कत आई तो मैं आपको भेजता हूँ। तो मतलब अगर किसी को यहाँ पर जगह नहीं समझ में आ रही तो आप लोकेशन दोगे? हाँ, तो वो यहाँ पर पूरी प्राइवेसी यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किसी चीज़ का। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर किसी के चीज़ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इनका जो भी डिटेल है यहाँ का कि वेबसाइट वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो आप चाहे तो डायरेक्टली वहाँ जाके आप बुकिंग कर सकते हो। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इनके नाम के साथ में। सो ये है यहाँ का नाइट व्यू, और नाइट व्यू मैं आप लोगों को पूरा 360 दिखाता हूँ। सो इट्स टाइम टू हैव डिनर ना। डिनर में हम लोग को वेज नॉन वेज दोनों सर्व किया गया था,
अब क्योंकि मैं बाहर में नॉन वेज नहीं खाता ज़्यादा, तो इसलिए मैंने वेज प्रेफर किया था। वेज में थी पनीर की सब्ज़ी एंड नॉन वेज में चिकन था। एंड एक अच्छी सी पार्टी के बाद, एक अच्छे सेलिब्रेशन के बाद, एक अच्छा सा डिनर इन्जॉय कर रहे थे हम लोग। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी की शादी में आए हम लोग। लेकिन खुली हवा में डिनर करना बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा ही सुकून लग रहा था। और फिर हमारा फाइनल सेशन था कैंप फायर। सो हम लोग कैंप फायर इन्जॉय कर रहे थे, काफ़ी पुरानी बातें भी निकली, काफ़ी पुरानी बात यादें ताज़ा हो रही थी, बहुत मस्ती हो रही थी। कड़ाके की ठंडी में आग की गर्मी एंड देन फिर अगेन ठंडा आइसक्रीम, बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। सो इट वॉज़ क्वाइट एंटरटेनिंग। परफेक्ट शाम बीत रही थी हम लोग की, परफेक्ट शाम बोलो या रात बुलाओ। सो बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद ऑलमोस्ट रात के 2 बज चुके थे एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। सो मिलता हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। टिल देन गुड नाइट। रात को मस्त सोए, अच्छी नींद आई, बहुत ठंडी लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। इनफैक्ट 3-3 कंबल लेके सोना पड़ा, हालत ख़राब हो गई, सर्दी हो गई। अभी वक्त हो रहा है सुबह के 7 बज रहे और मेरी आँख खुल गई थी। एक्चुअली 10-15 मिनट पहले ही आँख खुल गई थी, बट यहाँ ब्राइटनेस इतना था कि बाद में वापस नींद ही नहीं आ रही थी। सो अभी काम करता हूँ, पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ एंड देन फिर मिलता हूँ आपसे। सो फ्रेश होने के बाद में अभी थोड़ा सा यहाँ पर जाते हैं और आसपास की जगह को हम लोग ने जो दिन में हम लोग देख नहीं पाए, सो कल इवनिंग में हम लोग को लेट हो गया आने के लिए और हम लोग देख नहीं पाए। सो अभी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और कुछ आप लोगों के लिए वीडियो सेशन शूट करता हूँ। सो होप यू लाइक दैट, एंजॉय दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं। ब्रेकफास्ट हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा इंजॉय कर लिया, थोड़ा सा घूम लिया। सो अभी यहाँ पर देखो सब पैकअप हो रहा है। सो अभी जैसे ही ये लोग सारा टेंट अभी उठाना शुरू कर दिए, सो जैसे ही ये हो जाएगा फिर हम लोग भी थोड़ी देर और रेडी हो गए और यहाँ से निकलेंगे। फाइनली सब लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। पावना में मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया बिकॉज यहाँ पर सब बॉलीवुड सॉन्ग्स बज रहे थे। सो बॉलीवुड सॉन्ग्स बज रहे थे जिसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम का इशू हो जाता था, तो ज़्यादातर वॉइस ओवर करने की कोशिश की है और लिमिटेड रखा, म्यूज़िक के साथ रख दिया, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल दिया। सो यहाँ पर सब जा चुके हैं, सारे लोग जा चुके, सिर्फ हम ही लोग बचे हुए। सो अभी हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं और फटाफट रास्ते में कैच करता हूँ मैं आप लोगों को।
सो आई एम द लास्ट वन टू लीव फ्रॉम हियर नाउ. दे ऑल लेफ्ट लेफ्ट. अब ये थोड़ा सा और ऑफ रोडिंग करके वापस ऊपर चढ़ना है. नीचे उतरने में तो हो गया था कैसे तैसे करके, अब ऊपर चढ़ना भारी है, बहुत ज़्यादा स्टीफ है. तो इसी बहाने थोड़ा पता भी चल जाएगा राइडिंग स्किल. चढ़ 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 चढ़, नहीं नहीं नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं, चढ़ 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 जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़. ये काफ़ी नीचे बनाया है एक्चुअली, लेकिन अच्छा ना इसी बहाने ऐसा राइड भी करने को मिल जाता है यार. ये सो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा. आई एम सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया. जितना हो सका मुझे मैंने दिखाने की कोशिश किया, बिकॉज बैकग्राउंड में हर जगह पे म्यूज़िक बज रही थी. यहाँ पर कई सारे कैंप हैं और हर टेंट पे, हर कैंप पे कहीं ना कहीं कोई ना कुछ म्यूज़िक बज ही रहा था. सो अगर मैं थोड़ा भी अगर कैमरा ऑन करता था तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ जाती और फिर प्रॉब्लम हो जाती. सो हियर वी गो, वी आर बैक ऑन द रोड. सो प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे लोनावला एंड देन लोनावला से थोड़ा शॉपिंग वगैरह करेंगे, चिक्की फर्ज वगैरह सब लेंगे एंड देन फ्रॉम देयर विल मूव टू मुंबई बैक टू होम. सो आज का जो पावना लेक का जो वीडियो था मैं यहीं पर एंड करता हूँ. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, आप नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि अभी एडवेंचर्स आते रहेंगे, हमारे एडवेंचर्स होते रहेंगे, ट्रैवल होता रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि ट्रैवल हमारा एक्सट्रीम लेवल पर होता रहे. सो विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.